कार्सिनोमा में T2N0 कैंसर का कैसे मैनेजमेंट होता है? अगर कॉर्ड मोबाइल है तो रेडियोथेरेपी पे हम जाते हैं, प्राइमरी जो इंक्लूड करती है रेडिएशन टू अपर नेक नोड्स, और अगर उसका फेलियर हो जाता है तो फिर कंजर्वेशन लैरिंजेक्टोमी करते हैं हम, और अगर फिर भी वो फेल हो जाती है तो टोटल लैरिंजेक्टोमी करते हैं, पूरे लैरिंग्स को कट करते हैं, और प्लस माइनस नेक डिसेक्शन। नेक डिसेक्शन या तो कर सकते हैं या तो नहीं भी कर सकते हैं, और शुरू में भी हम डायरेक्टली इसके लिए जा सकते हैं, जैसे अगर रेडियोथेरेपी जो है वो प्राइमरी इंक्लूडिंग रेडिएशन टू अपर नेक नोड्स, अगर पहले हम रेडियोथेरेपी कर रहे हैं और उसका फेलियर हो जा रहा है तो टोटल लैरिंजेक्टोमी पे हम जा सकते हैं, पूरे लैरिंज को रिमूव कर सकते हैं और नेक डिसेक्शन साथ में। नाउ सेकेंड, कॉर्ड मोबिलिटी अगर इम्पेयर्ड है या इन्वॉल्वमेंट हो रहा है एंटीरियर कमीशर या एडेनॉइड का, तो फिर हम कंजर्वेशन लैरिंजेक्टोमी के लिए जाते हैं, इसमें भी डायरेक्टली जाते हैं ना कंजर्वेशन लैरिंजेक्टोमी के लिए, रेडियोथेरेपी के लिए नहीं जाते हैं इसमें, और अगर वो फेल हो जाती है तो फिर हम टोटल लैरिंजेक्टोमी या फिर नेक डिसेक्शन के साथ उसको जाते हैं या फिर सिर्फ लैरिंजेक्टोमी करते हैं। तो यह है एल्गोरिथम फॉर ट्रीटमेंट ऑफ T2N0 ग्लॉटिक कैंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।